सोलो आई गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका नया यूट्यूब चैनल है तो उसमें आप 100 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 100 सब्सक्राइबर आप जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि न्यू यूट्यूबर को सब्सक्राइब हर कोई नहीं करता है, उसके अलावा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, 100 सब्सक्राइबर शुरू के कंप्लीट करना एक तरह का बहुत बड़ा टास्क रहता है। बट फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप 100 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब 10 से 15 दिन में ही आप 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको कैसे सब्सक्राइबर कंप्लीट करना, उसके लिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो ही आप कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब पर सक्सेस होना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में पूरा कवर किया है कि सबसे पहले 100 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करें। फ्रेंड्स, अगर आपका चैनल नया है, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं या फ्रेंड्स आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता, आप सभी में ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये मेरा चैनल का एनालिटिक्स है कुछ इस तरह का। फ्रेंड्स, लास्ट 28 डेज में फ्रेंड्स 126 मतलब 126 सब्सक्राइबर आए हैं, देख सकते हैं। करंट अभी फ्रेंड्स 178 सब्सक्राइबर है और 48 आवर्स में 1552 व्यू आए हैं। मतलब हर दिन, मतलब आप मान सकते हो 700 से 800 व्यू डेली आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा नया ही चैनल था, मैं आपको कंटेंट्स में दिखा देता हूँ, कंटेंट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो अपलोड हुई थी, ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट वीडियो अपलोड हुई थी 1 अक्टूबर 2022 को, फर्स्ट वीडियो अपलोड हुई थी 1 अक्टूबर को और अभी है 17 नवंबर। मतलब ये हो गए हैं फ्रेंड्स आपका 47 डेज हो गए हैं, 45 दिन कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, 45 दिन में मैंने 200 सब्सक्राइबर समथिंग कंप्लीट कर लिए हैं और 1000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स देख सकते हैं, मेरी एक ही वीडियो से 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर आ गए थे, देख सकते हैं। सेकंड वीडियो ये रही, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली पे इसका एनालिटिक्स ओपन करा है फ्रेंड्स, लाइव है, कोई भी फेक नहीं है, बिल्कुल लाइव है फ्रेंड्स। मैं आपको रिफ्रेश करके बता देता हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो देख सकते हैं, ये मैंने रिफ्रेश कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा तो देख सकते हैं ये प्लस 133 सब्सक्राइबर मेरी एक वीडियो से ही आ गए हैं, जिसपे 21,000 व्यू है, जिसपे 21,000 व्यूज है, उस पर ही फ्रेंड्स 133 सब्सक्राइबर आए। तो ये फ्रेंड्स मैंने कैसे किया है, कैसे ये वीडियो वायरल गई है, उसके अलावा नए चैनल पे आपको क्या ट्रिक अप्लाई करनी है जिसके कारण आपकी वीडियो वायरल जाएगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि वीडियो जो अपलोड करते हैं आप, लॉन्ग वीडियो अपलोड करें या शॉर्ट वीडियो अपलोड करें, आपको वीडियोस कंसिस्टेंसी से अपलोड करनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, नया अगर यूट्यूब चैनल है तो आपको बिल्कुल मतलब डिसिप्लिन मेंटेन रखना ही पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखना ही होगी, क्योंकि फ्रेंड्स यूट्यूब भी बहुत सपोर्ट करता है, ये तो मैंने आज देख लिया है। मैं आपको बताऊंगा क्यों, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि यूट्यूब कैसे सपोर्ट करता है नए यूट्यूबर को। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जैसे कि आप जो भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको, जैसे 2 दिन में आप एक वीडियो अपलोड करते हैं या डेली अपलोड करते हैं, तो आपको वैसे ही कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। जैसे कि मैं हर 3rd दिन वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उस टाइप से आपको करना है फ्रेंड्स, जिससे क्या लगेगा यूट्यूब को कि ये जो यूट्यूबर है वो कंसिस्टेंसी है, वो डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहा है, तो फ्रेंड्स वो भी सपोर्ट करता है। उसके अलावा आपको फ्रेंड्स नए चैनल पे एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनानी है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं, मैंने बहुत से ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही वीडियो बनाई है, देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। जैसे कि ईंट की दीवार पर वॉलपेपर, दीपावली का टाइम था, दीपावली का सीजन चल रहा था, तो वॉलपेपर डेकोरेशन, यूट्यूब सेटअप से रिलेटेड वीडियो बहुत ट्रेंड हो रही थी, तो मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई तो वो वायरल हो गई। उसके अलावा मैं दूसरी वीडियो भी बनाता हूँ उस टॉपिक पे, तो वायरल होती, क्योंकि उस टाइम पे फ्रेंड्स बहुत सारा सर्च आ रहा था। तो ये आपको फाइंड करना है ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो कैसे बनाना है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है ट्रेंडिंग टॉपिक पे कैसे फाइंड करना है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, सेकंड मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, थंबनेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप कितनी भी अच्छी वीडियो बना लो, सब कुछ कर लो, थंबनेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, थंबनेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थंबनेल फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपने सुना होगा। थंबनेल जितना अच्छा रहेगा जिस भी वीडियो का, देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको अपने थंबनेल दिखा देता हूँ पहले, फिर आप देख लीजिए कि थंबनेल कितना इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी चैनल आपका, ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, थंबनेल बिल्कुल अट्रैक्टिव बनाना है, बिल्कुल क्लिकेबल। मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ तो भी थंबनेल बनाए, और मैंने देखा है फ्रेंड्स बहुत से मुझे कमेंट कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर कमेंट भी आते हैं, जिसमें कुछ तो भी थंबनेल बनाया है फ्रेंड्स उन्होंने शॉर्ट वीडियो में, तो चलो ठीक है, थंबनेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो उन्होंने थंबनेल भी मतलब किस तो भी मतलब आपने उस पर समझ सकते हैं कि वो थंबनेल में क्या कहना चाह रहे हैं, और क्लिकेबल भी नहीं है, और कलर जो करेक्शन रहता है, कलर जो कॉम्बिनेशन रहता है, वो भी बहुत ख़राब बनाते हैं फ्रेंड्स। अगर आप मुझे बोलेंगे कि थंबनेल कैसे बनाना है एक क्लिक में, जी हाँ फ्रेंड्स, मैं 2 से 3 मिनट में किसी भी वीडियो का थंबनेल बना लेता हूँ, और वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के। तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि थंबनेल आपको बनाना है, थंबनेल बनाना नहीं आता, या अच्छे अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाया, तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट आपको थंबनेल पे ही ध्यान देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, थंबनेल पे ध्यान दीजिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 टॉपिक्स बताए हैं, आपको कंसिस्टेंसी से वीडियो अपलोड करनी है,
उसके अलावा ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनानी है, और थर्ड है थंबनेल अच्छे बनाना है, गुड थंबनेल, मतलब बहुत अच्छे थंबनेल बनाना पड़ेंगे फ्रेंड्स, तभी आपकी वीडियो वायरल होगी, क्योंकि यूट्यूब तभी सपोर्ट कर पाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ यूट्यूब सपोर्ट कैसे करता है। देख सकते हैं मैं अपने चैनल पर चले जाता हूँ फ्रेंड्स, यूट्यूब स्टूडियो पे। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जैसे कि ये वीडियो अपलोड करी थी मैंने दो दिन पहले ये वीडियो अपलोड करी थी कि वीडियो का जो बैकग्राउंड है ग्रीन स्क्रीन कैसे चेंज करें। अब मैं इसका एनालिटिक्स ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ लाइव। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें 185 व्यूज़ आ गए नए चैनल पे, बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। 185 हर वीडियोस पे मेरे 200 व्यूज़ तो हो ही जाते हैं, क्योंकि वो किस कैसे होते हैं फ्रेंड्स देख सकते हैं। YouTube रिकमेंडेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्योंकि 85% ट्रैफिक तो मेरा उसी से आया है। नई वीडियो पे सर्च से 7%, मतलब 13 व्यू आए हैं, बट YouTube ने मुझे रिकमेंड किया, YouTube ने होम स्क्रीन पे पहुंचाया। अब नेक्स्ट जैसे कि कोई वीडियो खत्म होती है, जब दूसरी वीडियो चालू होती है, तो उस टाइप से उन्होंने 22 व्यू मुझे उस वीडियो ने दिए। इस टाइप से YouTube रिकमेंड कर रहा है मेरी हर वीडियो को फ्रेंड्स, देख सकते हैं। मैं आपको किसी भी वीडियो का एनालिटिक्स ओपन करूँगा, यहाँ तक कि जो मेरी वायरल वीडियो है देख सकते हैं आपको। और उसका भी एक ट्रिक है फ्रेंड्स, हर वीडियो ये YouTube रिकमेंड नहीं करता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा मैं आपको। बट इसमें देखिए आप कि इसका एनालिटिक्स ओपन करता हूँ जिसपे मेरे 21,000 व्यू आए हैं, तो इसमें भी आप देखेंगे ना तो 75% आई थिंक YouTube रिकमेंडेशन ही होगा। तो देख सकते हैं लाइव नीचे आते हैं, रीच में जाते हैं, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ब्राउज फीचर में 55% ये देख सकते हैं, और ब्राउज फीचर और सजेस्टेड वीडियोस मिला के फ्रेंड्स कितना हो रहा है, और यूट्यूब सर्च से मात्र 3%। तो फ्रेंड्स आप नए यूट्यूबर सर्च पे ध्यान देते हैं कि सर्चिंग में कैसा है, बट नहीं फ्रेंड्स, आपको थंबनेल इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि यूट्यूब खुद रिकमेंड करे। यूट्यूब का इंप्रेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स कैसे बढ़े, 3,38,000 यूट्यूब ने इंप्रेशन भेजे, तब जाके तो मेरा 5.8% क्लिक थ्रू रेट आया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्लिक थ्रू रेट ही, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट। तो आपको थंबनेल अच्छे बनाना है और ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाना है, और फ्रेंड्स आपको कंसिस्टेंसी से वीडियो अपलोड करना है, आपके बहुत जल्दी 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मानता हूँ कि शुरू में बहुत टाइम लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सामने आपके सामने लाइव चैनल है, मे भी कोई इतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं था, बट फिर भी 100 सब्सक्राइबर और 200 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो गए। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि इसी चैनल पर हुआ है मेरा, मेरे 2-3 चैनल ऐसे ऑलरेडी है जिसपे मैंने 100 सब्सक्राइबर स्टार्टिंग के तो बहुत जल्दी गेन कर लेता हूँ, 1,000 भी हो ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर आप यूट्यूब पे सक्सेस होना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं आपको शुरू से सपोर्ट करूँगा। मैंने जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो हो रहा है तो मैं आपको भी सपोर्ट करूँगा। थोड़े दिन में हम लाइव भी आने वाले हैं, 200 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो हम लाइव भी आएंगे, गिव अवे का रिजल्ट भी अनाउंस करेंगे। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और बहुत से टॉपिक मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मैं अपने चैनल पे अपलोड करता जाऊंगा। तो फ्रेंड्स सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय।